क्लियर टॉपिक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं इसकी सीरीज चला रहा था, प्रीवियस पेपर 2019 लेटेस्ट जो कहीं भी नहीं मिलेंगे उसकी, ये आज पांचवा पार्ट है। एक नया सेट शुरू कर रहा हूँ मैकेनिकल का। और गाइस, पहले के पेपर नहीं देखे हैं 2019 के, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से पहले उन्हें देख लीजिए। चार पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर यूज इन ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन द फ्लो रेट एंड द प्रेशर डिफरेंट बिटवीन द स्टेट स्टेशन एंड द थ्रॉट ऑफ अ वेंचरीमीटर डेट हैज़ नो लॉसेज बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज ऑफ अ ड्राफ्ट ट्यूब इन अ हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज वाटर टू इनेबल प्रॉपर रिमूवल ऑफ एयर। ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन, द वर्क डन इन कंप्रेसिंग एयर फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू बाय पिस्टन सिलेंडर टाइप कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम विद स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इज एन अपॉन एन माइनस वन डॉट पी वन वी वन पी टू अपॉन पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। फोर्थ, द वाटर जैकेटिंग द सिलेंडर ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर एयर कंप्रेसर लीड्स टू द रिड्यूसिंग इन द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन। फाइव, द विस्कोसिटी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूड इंडिकेट्स इट्स रेसिस्टेंस टू फ्लो ओवर द सरफेस। सिक्स क्वेश्चन, द एयर फ्यूल रेशो यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ SI एंड CI इंजन्स आर एक्सेस एयर फॉर CI एंड अराउंड स्टोमेट्रिक फॉर SI। सेवन्थ क्वेश्चन, गाइस न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। एट्थ क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इवेपोरेटर प्रेशर ऑन अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर साइकिल इज देयर इज अ रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, identify the incorrect from the following options related to the below statement. Superheated steam is used in a Rankine power cycle to reduce the work of pumping. 10th, identify the incorrect. ये भी इनकरेक्ट बताना है। इन अ मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द प्रोसेस ऑफ इंटरकूलिंग फाइनल कंप्रेस्ड एयर डिलीवरी प्रेशर इज हायर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर। 11th क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ फिल्म ऑफ ऑयल एट ए यूनिवर्सल वेलोसिटी इन ए इंक्लाइंट सरफेस स्लोपिंग एट 30 डिग्री द विस्कस रेसिस्टेंस टू मोशन इक्वल टू m डॉट साइन 30। गाइस की 12, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, H2S माइनस H1 m ऑफ वाटर, देख लीजिए आप। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील फेराइट स्टेनलेस स्टील आर हीट ट्रीटेबल। 14 क्वेश्चन गाइस न्यूमेरिकल है, देख लीजिए आप। 16 क्वेश्चन, identify the incorrect statement. तो इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको। तो इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेट्स डेट आर यूज इन शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स कैन ऑपरेट विथ फ्लूडाइज वेड कम्बस्टर्स यूजिंग बेल्स ऑफ वेगेज। 16 क्वेश्चन का इस न्यूमेरिकल है। 17 क्वेश्चन, इसमें बताना है ऑपरेटिंग कंडीशन विल शिफ्ट, देख लीजिए सेंट्रिफ्यूगल पंप का है, हायर फ्लो रेट एंड लोअर हेड। 18 क्वेश्चन, इसमें इनकरेक्ट बताना है, द इग्निशन डिले पीरियड इन अ डीजल इंजन इट इज़ हाई फॉर हाई सीटेन नंबर फ्यूल्स। 19 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 20 क्वेश्चन, एम किलोग्राम ऑफ स्टीम एट स्टेट वन इज एडमिटेड टू टर्बाइन एंड एक्सटेंड आइसेंट्रॉपिकली डाउन टू द लोअर प्रेशर ऑफ स्टीम टू इट्स वर्क आउटपुट इज वेयर H1 एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द टर्बाइन H2 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ स्टीम लीविंग द टर्बाइन। तो m H1 माइनस H2।
21 क्वेश्चन कन्वेंसली इन बेबकॉक्स विलकॉक्स वाइलर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ड्रम एंड द वाटर ट्यूब्स इज नॉर्मली बाय नेचुरल सर्कुलेशन थर्मोसाइकिल। 22 क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ब्लो तो सुटेबल थिकनेस ऑफ ऑफ द टॉप ऑफ पिस्टन इज नीडेड टू प्रोवाइड सफिशियंट बियरिंग एरिया फॉर साइड लोड। 23 क्वेश्चन इसमें जो इनकरेक्ट बताना है तो एन एस इक्वल टू एन पी अपॉन एच स्क्वायर नहीं होता है, बाकी तीनों सही है। 24 अ नोजल इज नॉट अ यूज इन अ वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल। 25 क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट बताना है द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर फ्लो रेट एंड सी ओ एंड सी ओ टू कंटेंड इन अ बॉयलर चिमनी गैसेज हेल्प्स टू द हेल्प्स वन ऑफ द कैलकुलेट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल ऑन ग्रेट। 26 इन एन सी आई इंजन द कम्बशन इज टर्बुलेंट फ्लेम प्रोपेगेशन थ्रू अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। 27 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इसमें इन अ लामाउंट हाई प्रेशर बॉयलर रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वाटर ट्यूब्स। 28 का इस न्यूमेरिकल है देख लीजिए। 29 जो 1 टन रेफ्रिजरेटर होता है वो 210 किलो जूल पर मिनट होता है। 30 क्वेश्चन गाइस न्यूमेरिकल देख लीजिए। 31 द रिम ऑफ बाइसिकल व्हील विद मास एम एट अ रेडियस आर रोटेट्स विद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विच स्टेटमेंट गिव्स इट्स परमानेंट करेक्टली मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज एम आर स्क्वायर। 32 द लुब्रिकेशन ऑयल इज कैलकुलेटेड इन एन आई सी इंजन बाई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। 33 क्वेश्चन का इस न्यूमेरिकल देख लीजिए। 34 इफ अ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज एडमिटेड टू अ स्टीम टर्बाइन फॉलोड एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एट द एक्सिस्ट ऑफ द टर्बाइन इट विल बी अ वेट स्टीम। 35 क्वेश्चन द ब्लो ऑफ कॉक इन अ बॉयलर रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम बॉयलर ड्रम। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे भी इस चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो आपको बहुत डेफिनेटली बेनिफिट पहुँचाएंगी और ये रेगुलर वीडियो चलती रहेंगी चाहे बच्चे कम हों या ज़्यादा हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर जो है अब रेगुलर वीडियो सुबह 8:30 बजे ज़रूर आया करेगी एक वीडियो और एक दोपहर में आया करेगी जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट पहुँचाएंगी। 36 क्वेश्चन अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग अ पाइपलाइन कैरिंग वाटर इज टू द मेजर्ड यूजिंग U2 मैनोमीटर द मैनोमीटरिंग फ्लूइड टू बी यूज्ड इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 37 क्वेश्चन एन एम्प्टी बकेट ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज इन्वर्टेड फोर्स्ड डाउन एंड सबमर्ज्ड कंप्लीटली स्लाइटली बिलो द वाटर सरफेस सेलेक्ट द आउटकम फ्रॉम ब्लो दैट वुड बी इनकरेक्ट इफ रिलीज्ड द बकेट विल सिंक। 38 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है देख लीजिए गाइस। 39 क्वेश्चन अब ये भी न्यूमेरिकल है एक मीटर बोले देख लीजिए। 40 क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ जो हीट सप्लाई QH है और हीट रिजेक्टेड Q1 है तो हीट साइकिल जो हो जाएगी हमारी होता ही हो जाएगी Q1 अपॉन QH। 41 विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील इट कैन बी हार्डन्ड बाई हीट टर्बाइन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग अबाउट एन एयर कूल्ड आईसी इंजन रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसिपेशन ऑफ हीट। 43 क्वेश्चन द वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन हैज वन सेट ऑफ नोजल्स फॉलोड बाई स्टेज ऑफ अल्टरनेट मूविंग एंड फिक्स्ड गाइड ब्लेड्स। 44 क्वेश्चन तो इसका आंसर जो होता है U बराबर 0.5 P ये V बराबर है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट
यू बराबर एब्सोल्यूट बकेट स्पीड देन द थ्योरेटिकल कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील इज यू बराबर 0.5 P. 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अ परपेचुअल फ्रिक्शनलेस पेंडुलम. 46 क्वेश्चन गाइस न्यूमेरिकल है देख लीजिए. 47 क्वेश्चन न्यूमेरिकल खुद करिए. 48 क्वेश्चन इन अ वन डायमेंशनल फ्लो फ्लूड इन अ पाइप द फ्लूड वेलोसिटी इज गिवन बाय यू इक्वल टू एक्स इक्वल प्लस 2t वेयर टी इज द टाइम द फ्लो इन द पाइप इज अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. 49 क्वेश्चन सिलेक्ट द स्टेटमेंट डैट इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टूल स्टील इट इज स्टील विद 0.3 से 0.6 डिग्री परसेंटेज कार्बन बाई वेट. 50 सिलेक्ट आउट द इनकरेक्ट अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो अबाउट गुड क्वालिटी इन लुब्रिकेशन ऑयल्स दे डू नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी. इसमें एक मैकेनिकल की सीरीज चलेगी जो कि सिली मिस्टेक वाली होगी जो कि बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी और एक GK की महा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जो कि YouTube चैनल पर अभी तक नहीं आएगा. थैंक यू गाइस. बाय बाय.